गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमिया फेस एंड आई एम दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप चैलेंज शेयर करने वाली हूं और ये है अल्फाबेटिकल मेकअप चैलेंज। तो इसमें एक्चुअली करना क्या है, इसमें मैंने सारे मेकअप जो भी मैं यूज करने वाली हूँ फ्रॉम प्राइमर टू सेटिंग स्प्रे मैंने सारे लिख लिए थे एंड उसके बाद उन्हें मैंने अरेंज किया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में फ्रॉम ए टू जेड, यानी जैसे भी जो जो फर्स्ट आता है वैसे मैं इन्हें अरेंज करती गई। सो फाइनली यहाँ पर मैंने सब अरेंज कर लिया है और मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इन्हें अरेंज किया है। सो सबसे पहले आएगा ब्लश, फिर आएगा कॉम्पैक्ट, कंसीलर, कॉन्टोर, आईब्रोज, आई लाइनर, आई शेडो, फाउंडेशन, हाइलाइटर, काजल, लिपस्टिक, मस्कारा एंड लास्ट एंड फाइनल प्राइमर। सो यस गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मेकअप चैलेंज को मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया है एंड कैसे क्रिएट किया है ये ब्यूटीफुल सा लुक, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं यूज करूंगी वो है ब्लश, बिकॉज ब्लश सबसे पहले आता है। अगर मैं ए टू जेड अल्फाबेट में काउंट करूँ तो ब्लश सबसे फर्स्ट आता है। सो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे अपने ब्लश। सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ जेड डी पैलेट का ये ब्लश एंड ये मेरा बहुत ही अच्छा एंड फेवरेट पैलेट है एंड ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज किया था। एज सच आपको कोई ऑनलाइन कहाँ मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो चलिए पहले ब्लश अप्लाई करते हैं एंड ऑब्वियसली ये बिल्कुल जोकर वाला मेकअप होने वाला है बिकॉज अगर मैं ब्लश पहले अप्लाई करूँ मेरा फाउंडेशन अप्लाई करना बाकी है। सो कोई बात नहीं, इसी का नाम है चैलेंज, काफ़ी अच्छा चैलेंज है ये। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट। सो यहाँ पे ये बात हो रही थी कि कॉम्पैक्ट, कंसीलर एंड कॉन्टोर तीनों सीसी से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसके बाद मैं उनके सेकेंड अल्फाबेट पे गई, उसके बाद अगर वो भी सेम थे तो मैं उनके थर्ड अल्फाबेट पे गई। सो ऐसे कर करके मैंने सारा बनाया है। सो सेकेंड नंबर पे आता है कॉम्पैक्ट। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फोकेल्यूर का कॉम्पैक्ट एंड इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे एंड ऑब्वियसली फेस पे अप्लाई करूँगी तो ये जो मैंने ब्लश लगाया है ये निकल ही जाएगा, आई डोंट नो। सो कॉम्पैक्ट अप्लाई कर देते हैं अपने पूरे फेस पे एंड क्योंकि मैंने अपने फेस पे ना ही प्राइमर लगाया है और ना ही मॉइस्चराइजर लगाया है, कुछ नहीं लगाया है तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा मुझे ड्राई फील हो रहा है अभी एंड बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है एंड अब मैं जोकर दिखना स्टार्ट हो चुकी हूँ। नेक्स्ट इज कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूरोप गर्ल की स्टिक यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं यूज़ करूँगी एज अ कंसीलर एंड कंसीलर जहाँ भी यूज़ करते हैं मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। आई थिंक एंड मैं आईज पे भी यूज़ कर रही हूँ एंड इसे ब्लेंड करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर से। देखिए ऑब्वियसली बहुत ही कॉमेडी आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं वर्ड्स जो है बहुत स्लिप कर रही हूँ एंड मुझसे ठीक से वर्ड्स बोले ही नहीं जा रहे हैं। कोशिश करना चाह रही हूँ, चाहे मैं अल्फाबेटिकल कर रही हूँ लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं मेकअप अच्छे से अच्छा कर सकूँ। आफ्टर कंसीलर आता है कॉन्टोर। सो कॉन्टोर के लिए मैं जो पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ एंड आई डोंट नो, अब ये ब्लश ऑलरेडी लग चुका है और इसके बाद कॉन्टोर करूँगी तो ये कैसा होगा, भी कैसा होगा यही सोच के मुझे हैरानी हो रही है। शिट, फाउंडेशन बाकी है अभी तो। सो आफ्टर कॉन्टोर आता है आईब्रोज, एज यू नो माय फेवरेट आईब्रो केक है ये। बेचारी आईब्रोज भी बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई फील कर without moisturizer. एंड अच्छे से स्पूली की हेल्प से मैंने कोम कर लिया तो शेप बहुत अच्छा आ जाता है। आता है आईलाइनर। ओके अगेन आईब्रोज, आईलाइनर एंड आई शेडो, इन तीनों में अगेन आई 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 कॉमन था सो मैंने अगेन उनके बाद का जो है जैसे आईब्रोज में बी था, आईलाइनर में एल था और आई शेडो में एस था, सो अकॉर्डिंगली मैंने लिया है।
सो इसके बाद बारी आती है आईलाइनर की. सो आईलाइनर के लिए मैं आई एम्स्टरडम का ये लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ और आई शेडो के पहले आईलाइनर. वाओ और मैंने जानबूझ के बहुत ही थिन आईलाइनर लगाया है ताकि मेरे पास आईलिड पे स्पेस अच्छी रहे आई शेडो अप्लाई करने के लिए. आईलाइनर के बाद तुरंत है आई शेडो. वेरी गुड. मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट एंड क्योंकि इससे थोड़े से अच्छे एंड ग्लिटरी आई शेडोज है तो मैं ये यूज करूंगी. ट्रांजिशन शेड के लिए मैं ये कलर यूज कर रही हूँ. तो आईलिड पर मैं अप्लाई कर रही हूँ इस कलर के साथ. मैं मिक्स करूंगी इस कलर को. सो ये दो कलर्स मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने आईज पे. अब इनर कॉर्नर्स पर मैं वो सिल्वर शेड लगा रही हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था और मैंने बहुत ही छोटा सा ब्रश लिया है ताकि मेरे आईलाइनर को कुछ ना हो और मेरा आईलाइनर खराब ना हो. ये मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है. आई एम डन विथ माई आई शेडो एंड मैंने पूरी कोशिश की कि अपना आई लाइनर में ना बिगाड़ते हुए आई शेडो को करूं एंड बहुत अच्छे से आई शेडो हो भी गया है. ओके आई शेडो के बाद फाइनली बारी आती है हमारे फाउंडेशन की. सो आज मैं फाउंडेशन के लिए यूज कर रही हूँ यूरोप गर्ल का फाउंडेशन इन द शेड 10160. ट्राई करूंगी कि हो सके ना उतना मैं अपना मेकअप ना बिगाड़ते हुए अपना फाउंडेशन करूं. ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी सब. गॉड अच्छे से ब्लेंड हो जाना. यस यू कैन सी इट. मैंने ब्लश बचा लिया अपना. एंड ऑब्वियसली मैं इसे एज इट इज नहीं छोड़ रही हूँ. वो सिर्फ एक हल्का सा यहाँ पे जहाँ पे फाउंडेशन है हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से बहुत हल्का सा ताकि मेरा जो ब्लश है वो एज इट इज रहे बिगड़े ना और मेरा हल्का हल्का सा फाउंडेशन भी लग जाए. सो आफ्टर फाउंडेशन इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर एंड फॉर हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ इंस्टेंट शिमर ब्रेक. ट्राइंग माय बेस्ट. एंड वॉर्म है आफ्टर हाइलाइटर इट्स काजल. सो मैं यूज करी हूँ वेट एंड वाइल्ड का काजल इन द शेड ब्लैक. ओके आफ्टर काजल इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए मैं यूज करी हूँ यूरोप गर्ल की लिपस्टिक इन द शेड EG521 क्रॉस वेयर. आफ्टर लिपस्टिक इट्स टाइम फॉर मस्कारा. मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस का मैग्नेट आईज मस्कारा एंड ये लैशेस को काफी अच्छे से लेंथ देता है. तो अब लास्ट एंड फाइनल बारी आती है प्राइमर की क्योंकि पी सबसे लास्ट में आता है और हमारा प्राइमर इसी वजह से सबसे लास्ट में आया है. सो आज प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पैक का पैक मेकअप प्राइम प्लस सेटिंग स्प्रे. सो ये एज अ प्राइमर भी वर्क करता है एंड एज अ सेटिंग स्प्रे भी वर्क करता है. सो आज मैं इसे एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ.
तो इसे हम थोड़ा 5 to 10 minutes देते हैं ड्राई होने के लिए एंड उसके बाद में आपसे मिलती हूँ. सो यस गाइस, दिस इज द फाइनल लुक एंड आप देख सकते हो कि मैंने जो अल्फाबेटिकल चैलेंज किया था, मेकअप चैलेंज, वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से मैंने कंप्लीट किया है एंड ये है उसका फाइनल रिजल्ट. एंड आप देख सकते हो मेरा मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई मीन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है. अब आप लोगों के कॉमेंट्स की मैं वेट करूंगी कि आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा. तो यस गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो. आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने सारी फ्रेंड्स के साथ. एंड सब्सक्राइब बटन तो आपने दबा ही दिया होगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वो भी आपने प्रेस कर ही दिया होगा. अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. अदरवाइज इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेगी और आप मिस कर देंगे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस. सो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस.